अभी जस्ट मेरी गौरव से बात हुई थी, हमने ऐसे प्लान किया कि मैं अभी गौरव के घर जाऊंगी, तो एज यूजुअल मैं जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ वो बनाता है स्पेशल, तो आज भी मैंने उससे कुछ स्पेशल बनाने के लिए डिमांड करी थी। तो आज की मेरी इच्छा थी पनीर टिक्का खाने की, तो मैंने गौरव को बोला था, तो अब देखते हैं आज बनता है पनीर टिक्का या नहीं, वो तो आपको और मुझे दोनों को साथ में ही पता चलेगा वहाँ पहुँचने के बाद। जब भी मिलते हैं मैं हमेशा उसको कुछ ना कुछ ऐसा बनवाती हूँ खाने के लिए, बिकॉज वो बहुत अच्छा खाना बनाता है लिटरली, बट बहुत यम्मी। तो हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए बनाते हैं, तो अब देखते हैं आज का पनीर टिक्का कैसा बनता है और बनता भी है या नहीं, अभी तो ये भी गारंटी नहीं है। मैं रेडी होगी फिर मैं यहाँ से निकलूँगी, तो देखते हैं मैं रेडी होती हूँ फिर हम चलते हैं साथ में गौरव के घर पे। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अब मैं यहाँ से निकलूँगी गौरव के घर से, तो एक बार मैं उसको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, फिर हम यहाँ से जाएंगे गौरव के घर पे, होपफुली पनीर टिक्का खाने, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा ही। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, तो चलिए चलते हैं। आजकल बाहर बड़ी गर्मी रहती है, अभी धूप तो नहीं है पर फिर भी गर्मी बहुत है, तो हम चलते हैं गर्मी में ही। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गौरव के घर के लिए, तो मैं बाहर तो आ गई हूँ, तो सोच मेरे पास एक्चुअली गाड़ी की चाबी नहीं है, तो अभी जस्ट मम्मी अंदर गई है मेरे लिए गाड़ी की चाबी लेने के लिए, मैं लाना भूल गई। अभी महक मेरे घर आने वाली है, और आपको पता है महक का आना मतलब जब भी आती है कुछ खाती है, इसलिए आज भी कुछ स्पेशल उसके लिए बना रहा हूँ। तो आज मैं उसके लिए पनीर टिक्का बना रहा हूँ, तो उसी की रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई कैसे बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर टिक्का बनाना, जब तक वाइफ से पहले हम लोग हमारी डिश रेडी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने मैरिनेशन तो रेडी कर दिया है, अब 20 मिनट का उसे वेट दिया है ताकि वो मैरिनेशन अच्छे से रेडी हो जाए, तब तक हम लोग मैक का वेट कर लेते हैं, वो आ जाए तो फिर हम उसको बनाए और खिलाए। फाइनली आई रीच्ड, अब हम आ गए हैं गौरव के घर पे, तब हम चलते हैं अंदर गौरव के यहाँ पे। हेलो, मेरा पनीर टिक्का रेडी हो रहा है, बना बनाओ। कैप्सिकम, मेरे को तो आज उम्मीद ही नहीं थी कि आप सच में बनाओगे। पनीर टिक्का फाइनली रेडी हो गया, पनीर टिक्का आप भी ट्राई करना, बस अभी मैं बना के लाता हूँ ग्रिल करके। अभी हम लोगों ने पनीर टिक्का ग्रिल होने रख दिया है, पर ये पनीर टिक्का आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पनीर टिक्का मेरा है। क्या मेरा? मेरा है, मिलते ही लेके भाग जाएगा। पता है जब भी आती है जब भी कुछ खाने को चाहिए। अभी ये नेक्स्ट टाइम का प्लान पहले ही हो गया है कि मेरे को नेक्स्ट टाइम पिज्जा बना के दिखाना, पिज्जा भी खाना। देख लो अब आप इनको, जब दोस्त अच्छा शेफ होना तो खाते रहना चाहिए। तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए नहीं करा, अपने लिए करा था। मैंने दोस्त बनाए इसलिए कि मेरा फायदा हो, दोस्त वही होते हैं जो काम में आए। काम में नहीं, खाने में आए और खिलाने में। सही बात है। गौरव गए हैं मेरे लिए पनीर टिक्का सर्व करने, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ब्लॉग बना लूँ, वैसे ही इज अ गुड कुक, और फिर भी एक बार अपन खा के देखते कैसा बना है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको देखने में कैसा लग रहा है, और मैं खा के बताऊंगी मुझे खाने में कैसा लग रहा है। पनीर टिक्का आ गया है और मैडम चालू भी हो गई है, पनीर टिक्का लेके घूमे जा रही है खाना, और मुझे बताना भी सही आपको पनीर टिक्का कैसा लगा। अभी मैं गई है फोक लेने खाने के लिए, चटोरी है, चटोरी एकदम चटोरी। भैया आ जाओ, गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा फिर खाओगी क्या?
ट्राई करो और बताओ कैसा लग रहा है। अब से चालू भी हो गई इतनी स्पीड में खाना। अच्छा हुआ। अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पे और जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम लोग मिले थे, मैं और गौरव आज मिले थे, तो हम लोगों ने आज बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी बातें करी। तो बस फिर अब आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अब हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे पुराने व्लॉग्स देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।